नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है 998 का होल क्यूब। जैसा कि हमने इसके पिछले भागों में भी किया है, हम इसका क्यूब ऐसे ही रहने देंगे और 998 को देखेंगे ये किसके पास है। एक ऑप्शन है 900 प्लस 98, लेकिन वो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। ये 1000 के पास है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 में से 2 माइनस कर दो तो 998 आता है। तो 1000 माइनस 2, अब ये बन गया a माइनस b होल क्यूब। हमें पता है a माइनस b होल क्यूब का फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है बच्चों, तो हम इसे इस फॉर्म में ही बनाएंगे। तो a माइनस b होल क्यूब यानी 1000 माइनस 2 का होल क्यूब बराबर होगा a क्यूब। a बराबर है 1000 के, घबराना नहीं है बड़ी रकमों से। माइनस b क्यूब, b है 2 तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू a, a है 1000 इंटू b, b है 2 इंटू बड़ी ब्रैकेट a माइनस b, a है 1000 माइनस b है 2। अब हम इसको हल करेंगे। देखो बच्चों, 1000 का क्यूब, 1 का क्यूब तो होगा 1, 3 जीरो का क्यूब होगा, 3 बार लिख दो 3 जीरो, 1 बार 2 बार 3 बार, माइनस 2 का क्यूब होगा 2 दुनी 4 दुनी 8। अब इन तीन रकमों को प्लस गुना कर दो, 3 दुनी 6 गुना 1000 6000, साथ में है माइनस, और 1000 माइनस 2, इसे हम आगे हल करेंगे। 9 जीरो थे 3, 3 6 3 9 माइनस 8 माइनस, 6000 को 1000 से गुना कर दो, 3 जीरो ये और 3 जीरो ये, तो ये हो गए 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 माइनस इनटू माइनस प्लस, 6000 को 2 से गुना कर दिया तो आ गया 12000। अब हम इसको कैसे हल करते हैं, प्लस वाली रकमें अलग प्लस कर लो, तो ये आ गया 12000 प्लस ये, तो ये बन जाएगा, यहां से शुरू कर लेता हूं, 1 2 3 12000 प्लस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 उसके बाद 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 ठीक है, और इसमें से माइनस कर दो, इन दोनों को अलग प्लस कर लो, 1 ये यहां पे 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 इसे हल कर दो। ठीक है बच्चों, तो 10 में से 8 निकाला 2, 9 में से 0 निकाला 9, 9 में से 0 निकाला 9, आगे रह गया 2, 2 को 1 उधर चला गया था, बाकी रह गया था 1, 1 में से 0 निकाला 1, आगे है 1, 1 में से 0 निकाला 1, आगे है 0, आगे है 0 यहां है 6, तो ये इसे उधार लेगा, तो 10 में से 6 निकाला 4, आगे रह गया 9, फिर आगे रह गया 9, तो 998 का जो क्यूब होगा वो ये संख्या होगी। हमने डायरेक्ट गुना नहीं किया, सर्वसमिका का प्रयोग करके इसको हल किया है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और यदि समझ आया है तो हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।